चलो बहुत, चलो नाउ ये था बोतल बिसलेरी, इसी में जिंदगी टोटल। नमस्कार, आज हम काला मुनि मुनस्यारी पिथौरागढ़ में आए उत्तराखंड में। हमारे बीच प्रकाश प्रकाश रावत जी, देखिए कितनी बचपना मस्ती करते ये बर्फ है हमारे, अभी अभी पड़ा ये बर्फ, ये देखिए पूरी सफेदी हमारे उत्तराखंड की, ये पूरे पहाड़ों में बर्फ ही बर्फ है। तो हमारे बीच उत्तराखंड के सुपर सुपर लोक गायक श्री प्रकाश रावत जी, सर आप इसके बारे में कुछ जरूर बोलिए। प्रथम सिंगर ये कहूँगा, प्रकृति के होश में बैठा मेरा उत्तराखंड, और सर्प की तरह लहरती घाटियां, तपस्वी की तरह अटल पहाड़ी के बीच आज हम रमणीय स्थल मुनस्यारी कहते हैं। आधा जोहार, आधा मुनस्यार और आधा संसार। तो आज हम जो है धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी लोगों का। दूसरे में कैमरा आपके पास ले जाता हूँ, श्री रमेश जगरिया जी, जो कि यहाँ के रहवासी भी हैं और बहुत बड़े सिंगर हैं यहाँ के। तो पीछे उत्तराखंड में जो दाजू बर्फ दिखा अपन हाथ में, ये देख बर्फ कालमुनी धार जो राता के बाद पूरी सफेद सफेद ही हो रहा है। रजुला माल साई में जो से यो रजुल जो से यो राता पानी मिले आई ना से ये रजुला माल साई में गाली रही ये आज हम यो वही भूमि पूछ लिया कि वो बहुत शुद्ध भूमि से ये भूमि हमने बहुत बहुत आशीर्वाद धार जो सब अपने प्रबलान पन आज यहाँ बर्फ पड़ रहा क्योंकि खुद आत्मा थमा रही है यो। और आज बम्बई बड़े हमारे दीवान भाई साहब जो बहुत फुल आशीर्वाद से हम कि हमके मेहमान न कर सकना। मतलब नहीं नहीं दाजी, आपका आशीर्वाद है। आप पूरे इधर पूरे उत्तराखंड में पूरे पिथौरागढ़ डीडी हाट मुनस्यारी में आपका बहुत बड़ा नाम है, तो आपके साथ जुड़ने का आज मौका मिला हमें। आज हम जल लगी थोड़ा कालीपुर रात में फिर बाद हम पेटुल धार में जो फिर लावडे जैसे ज्वार मुसार के खेल भेला आज फोटो के शायद आज दाजू एक गान ले थियो ये बार में तुम और एक एक दुई लाइन बस पूरी बल्ली बाकी मल्ली सुन ला। वीर गुफटे पूज गायो काली मोहनी मंदिर पूज गछु बेटुली थारे मां उती बाटी लाग सा मेरे दाजू जोहार मुनसारा जोहारा मुनसारा। आज हम वही मुनस्यार में जम रहे और शायद यहाँ कोई न कोई आज एक हम रिकॉर्डिंग लिए बनाए लेते हैं और ये उपलक्ष्य में एक गीत लिए उन्होंने में और मैं लोग गाय समय से क्रिया आप लोगों ने बहुत बहुत आशीर्वाद से आज बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रकाश रावत जी सुपरस्टार सिंगर हमारे उत्तराखंड के, श्री रमेश जगरिया जी जो कि लोक गायकी में अपना नाम बहुत ऊंचा कर चुके हैं, जागरी में बहुत जागरी में घड़ेली में, तो उसके बारे में आपको बाद में दूसरा वीडियो हम लोग बहुत जल्दी बनाएंगे। तो आज हम जा ही रहे हैं, तो हमारे बीच में एक और सिंगर हमारे भाई मन्नू भाई हैं, मन्नू जोशी जी। सर आप इस बारे में क्या बोलेंगे? बहुत अद्भुत, मैं तो पहली बार आया यहाँ और शायद मुझे याद नहीं है मैं कब आता आया था, बट मुझे अच्छा लगा आज आपके ये आपकी देन है, मुझे लगता है मुझे कि आपने मुझे मौका दिया तो आपसे जाता हूं गाड़ी कई जगह रुका गाड़ी चेंज किया जी, प्लान चेंज हुआ तो आपकी बदौलत यू मुनसे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मन्नू जोशी जी एक्चुअली फौज में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो अक्सर उनको ये बर्फ तो मिल ले लद्दाख में रहते हैं सर आप, तो आपके लिए बर्फ की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन हम लोग के लिए बर्फ नया है। हाँ, सही बात है, सही बात। ये जो आज बर्फबारी हुई उसके हमारे लिए नया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनु भाई आप आए यहाँ पे, आपका सौभाग्य है जो हमको बुलाया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद जय उत्तराखंड सर।